हेलो दोस्तों, ये 30 किलो काटा है और इसमें लीटर की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, आइए बताते हैं। तो कांटे को चालू करिए और 1 किलो का बाट रख के चेक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, 1 किलो बता रहा है, लेकिन अगर कोई बटन आप ऐसे दबाते हैं तो ये कोई भी काम नहीं करेगा। तो लीटर लाने के लिए क्या करेंगे, कांटे को बंद करिए और टियर लिखा है देखिए, टियर को दबा के चालू कीजिए। ये आ गया इंटर, 0 वाले बटन को एक बार दबाइए। ये है NF2, इसे NF2 रहने दीजिए और 0 वाले बटन को दबाते हुए कैपेसिटी 3 पर जाइए। ऐसे आप दबाते रहिए, कैप 3 आएगा। कैप 3 आ गया, 0 को फिर दबाइए। DP 34, AB 305, यहाँ पे ये आ गया, ये देख लीजिए LID, फिर 0 आप दबाइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1000 लिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 970 लिखना होगा। तो टेयर से सबको 0 कर लीजिए और फंक्शन वाले को 9 बार आप दबाइए। ये 9 हो गया, टेयर को एक बार और दबा दीजिए और फंक्शन को 7 बार आप दबाइए। ये 7 हो गया, टेयर को एक बार और दबाइए, 0 आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों 970। अब 0 यहाँ पे 0 और शिफ्ट दोनों लिखा है, तो इस बटन को फिर आप एक बार दबाइए। ये देखिए दोस्तों, L0 लिखा है, इसको फंक्शन वाले बटन से 1 कर दीजिए। L1 हो गया, फिर टेयर को दबा दीजिए, कांटा अपने आप चालू हो जाएगा। अब 1 किलो का बाट रख के देखिए, 1 किलो बता रहा है और ये लाल वाला हैश का बटन है, इसे एक बार दबा देंगे तो दोस्तों ये लीटर में चला जाएगा। देखिए ये ला गया, 1 किलो 30 ग्राम बता रहा है, ये लीटर का वजन है। और फिर इसे हटाना आप चाहते हैं तो फिर हैश वाले को एक बार दबा दीजिए, ये हट गया, किलो में आ गया। तो आप ऐसे किलो और लीटर दोनों की सेटिंग कर सकते हैं। 30 किलो का अगर जेमिनी की मशीन है तो आप दोनों का कैलिब्रेशन कर सकते, मतलब सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ढेर सारे वीडियो आपको देखने को मिले।